क्या भाई, कौन सी मूवी देख के आए? भाई मैंने आज दो फिल्में देखी यार, श्याम बहादुर और एनिमल, दोनों ही फिल्में बेस्ट थी यार, एक नंबर की। एक नॉलेज पर्पस पे है तो एक एंटरटेनमेंट पर्पस। सबसे ज्यादा कौन अच्छी लगी भाई? मुझे दोनों ही फिल्में खास लगी हैं, क्योंकि दोनों ही अलग अलग जोन की। अगर दोनों ही एक्शन लेवल की फिल्म होती तो मैं कोई पर्टिकुलर डिसाइड कर लेता। हालांकि उस टाइम पे अगर श्याम बहादुर की जगह कोई और फिल्म होती तो मेरी फर्स्ट चॉइस या फर्स्ट जो आपने क्वेश्चन किया कि सबसे अच्छी कौन लगी, तो एनिमल को कहता। लेकिन श्याम बहादुर देशभक्ति पर आधारित है तो वो मेरे को ज्यादा अच्छी लगी, मतलब इंस्पायर लगी, मतलब ज़्यादा अच्छी, मतलब दोनों ही ज़्यादा अच्छी लगी, कहानी के मामले भी, स्टोरी के मामले भी। लेकिन एक्शन के मामले में जो है तो एनिमल ने नया एक्सपीरियंस करवाया, क्योंकि ऐसा साइकोपन बॉबी पब्लिक का सपोर्ट किसको सबसे ज़्यादा था? ज़्यादा तो एनिमल को लेकर के, क्योंकि उसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी, और इसके एनिमल की ज़्यादा उतनी हाइप लेवल की नहीं थी, जिस लेवल की हाइप इनकी यूके जो URI आई थी द सर्जिकल स्ट्राइक, उस लेवल का इसमें हाइप नहीं है। लेकिन कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो विकी कौशल ने रोल निभाया श्याम बहादुर का, वो बहुत ही दमदार निभाया। तो मेरे हिसाब से वो फिल्म भी कमानी चाहिए, वो फिल्म भी कम से कम हिट का टैग तो पाना चाहिए। अब बाकी एनिमल की रही बात, वो कम से कम 500 करोड़ के प्लस ही जाएगी कलेक्शन वर्ल्ड वाइड, मेरा ऐसा मानना है। और ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि इसमें बॉबी देओल ने काम किया है, और स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और एक्शन प्ले हर एक चीज़ परफेक्ट, फुल पैसा वसूल, फुल पैसा। BGM कैसा था दोनों? BGM भी एक नंबर का, फुल पैसा वसूल, जैसे मैंने बोला कि आपको कोई भी सीन डिसअपॉइंट नहीं लगेगा, ना कोई चीज डिसअपॉइंट लगेगी, दोनों ही फिल्में आपको शुरू से अंत तक बांधेंगे। दोनों मूवी को 5 में से 5 कितने स्टार देंगे? सर 5 में से 5 पूरे स्टार दूंगा। ओके सर, थैंक यू।